आज देश गुड गवर्नेंस डे भी मना रहा है। साथियों, अटल जी ने गीता के संदेशों के अनुरूप जीवन जीने का लगातार प्रयास किया। गीता में कहा गया है, स्वयं स्वयं कर्मणि अभिरतः संसिद्धिं लभते नः, यानी जो अपने स्वाभाविक कर्मों को तत्परता से करता है उसे सिद्धि मिलती है। अटल जी ने भी अपना पूरा जीवन राष्ट्र के प्रति अपने कर्मों को पूरी निष्ठा से निभाने में समर्पित कर दिया। सुशासन को, गुड गवर्नेंस को अटल जी ने भारत के राजनीति और सामाजिक विमर्श का हिस्सा बनाया। गांव और गरीब के को रोज मानते थे। आप सबको याद होगा, उन्होंने एक बार गरीब के लिए रुपया निकलता है वो उसके बैंक खाते में सीधा पहुंचता है। अभी हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह जी तोमर ने इसके विषय में विस्तार से हमारे सामने रखा है। पीएम किसान सम्मान निधि इसका ही एक उत्तम उदाहरण है। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। जब से ये योजना शुरू हुई है तब से भाइयों से बात कर रहा था तो मुझे हमारे महाराष्ट्र लातूर के गणेश जी ने बताया कि 2,500 रुपया उन्होंने दिया और 54,000 रुपया करीब करीब मिला। मामूली प्रीमियम के बदले किसानों को पिछले साल में 87,000 करोड़ रुपए क्लेम राशि मिली है। 87,000 करीब करीब 90,000 करोड़ मामूली प्रीमियम दिया किसानों ने। मुसीबत के समय ये फसल बीमा उनको काम आया। हमने इस लक्ष्य पर भी काम किया कि देश के किसान पास खेत में सिंचाई की पर्याप्त सुविधा है। हम दशकों पूरे इस पुरानी सिंचाई योजना को पूरा कराने के साथ ही देश भर में पर ड्रॉप मोर क्रॉप के मंत्र के साथ माइक्रो इरिगेशन को भी बढ़ावा दे रहे हैं। और मुझे खुशी हुई, अभी तमिलनाडु के हमारे सुब्रमण्य जी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने माइक्रो आज किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं। वो जब उनका समय था तब चूप मार करके बैठे हुए थे। ये जितने लोग आंदोलन चला रहे हैं ना, ये उस सरकार के हिस्सेदार थे, समर्थन करते थे। और यही लोग स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर बैठ गए थे, सालों तक बैठ गए। हमने आकर के निकाला क्योंकि हमारे दिल में किसान की जिंदगी को भला करना, कल्याण करना, ये हमारा जीवन का मंत्र है। इसलिए कर रहे साथियों, हम इस दिशा में भी फसल बेचने के लिए किसान के पास सिर्फ एक मंडी नहीं बल्कि उसको विकल्प मिलना चाहिए, बाजार मिलना चाहिए। हमने देश की 1,000 से ज्यादा कृषि मंडियों को ऑनलाइन जोड़ा। इनमें भी 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार किसानों ने कर दिया। किसान ऑनलाइन बेचना शुरू किया। साथियों, हमने एक और लक्ष्य बनाया कि छोटे किसानों के समूह बने ताकि वो अपने क्षेत्र में एक सामूहिक ताकत बनकर काम करें। आज देश में 10,000 से ज्यादा किसान उत्पादक संघ एफपीओ बनाने का अभियान चल रहा है, उन्हें आर्थिक मदद दी जा रही है। अभी हम महाराजगंज के राम गुलाब जी से सुन रहे थे,